हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। एज वी अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन प्रीवियस वीडियो, इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द गाइनोसियम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ एंड्रोसियम तक समझ लिया था, और इस वीडियो में हम गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे वी विल बी द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज़ गाइनोसियम। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के फोर्थ पार्ट के बारे में, जो कि गाइनोसियम होता है। आज हम पढ़ेंगे गाइनोसियम के बारे में। इट इज़ द इनर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर। जो गाइनोसियम होता है वो फ्लावर का इनर मोस्ट वर्ल होता है, एंड इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्पल्स, जो बना होता है कार्पल से। वन कार्पल इज़ मेड अप ऑफ थ्री पार्ट। जो एक कार्पल्स होता है उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। गाइनोसियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। गाइनोसियम को पिस्टिल भी कहा जाता है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एंड्रोसियम के बारे में बता देती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एंड्रोसियम के बारे में कि एंड्रोसियम में दो मेन पार्ट देखने को मिलते हैं, एंथर और फिलामेंट। सबसे ऊपर आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसे ही कहा जाता है एंथर। और एंथर के नीचे एक डंडी की जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसे कहा जाता है फिलामेंट। एंथर होता है वो लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट होता है। एंथर और फिलामेंट को एक साथ ही कहा जाता है स्टैमिन, जो कि एंड्रोसियम का एक मेंबर होता है। नेक्स्ट इज गाइनोसियम। गाइनोसियम में अभी हमने पढ़ा कि गाइनोसियम के एक पार्ट को कहा जाता है कार्पल्स। कार्पल्स में तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, तो ऊपर थोड़ा सा श्रिंक पार्ट दिखाई दिख रहा है, जिसे कहा जाता है कि स्टिग्मा। स्टिग्मा नीचे की तरफ एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहा जाता है स्टाइल। स्टाइल नीचे की तरफ डेवलप्ड होते हुए सोलेन पार्ट बना लेता है, एक फूला हुआ पार्ट बना लेता है, जिसे कहा जाता है ओवरी। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को ही एक साथ कहा जाता है कार्पल्स, जो कि फीमेल पार्ट होता है। और गाइनोसियम को ही सेकेंड नाम से जाना जाता है, पिस्टिल के नाम से। कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन एज नॉन असेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स और कोरोला जो दोनों होते हैं वो नॉन असेंशियल वर्ल होते हैं फ्लावर्स के, वाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर नॉन एज असेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर एज दे टेक प्लेस डायरेक्टली इन रिप्रोडक्टिव। जो गाइनोसियम और एंड्रोसियम होता है उसे फ्लावर का असेंशियल वर्ल या असेंशियल पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इस तरह से हमारे फ्लावर के चारों पार्ट होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसे मैं एक बार फिर से रिविज़न करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।